महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की जीवनी। वेलकम टू विवेक ईश्वरी चैनल। दोस्तों मेरा नाम विवेक तिवारी है। दोस्तों आर्यभट्ट भारत के एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य और पाई की खोज की थी। वे एक अच्छे खगोल शास्त्री भी थे जिन्होंने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी प्रसिद्धि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी फैली थी। आर्यभट्ट के द्वारा की गई खोजों ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में एक नया आयाम प्रदान किया है और इसे आसान बना दिया है। आपको बता दें कि बीजगणित यानी एलजेब्रा का इस्तेमाल करने वाले आर्यभट्ट पहले शख्सियत थे। ऐसा माना जाता है कि निकोलस कॉपरनिकस से करीब 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने यह आविष्कार कर लिया था कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यही नहीं, आर्यभट्ट जी ने अपने नाम पर आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। उनके इस ग्रंथ में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति गणित को समझाने की कोशिश की गई है, साथ ही खगोल को समाहित भी किया गया है। आइए जानते हैं भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी के आविष्कार और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में। दोस्तों महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार उनका जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर यानी आधुनिक पटना में बताते हैं, तो कई इतिहासकार उनका जन्म महाराष्ट्र के अस्मक में बताते हैं। वहीं ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट पटना के मुख्य नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। दोस्तों आर्यभट्ट ने अपनी जीवन काल में कई महान ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से उनकी आर्यभट्टीय तंत्र, दशगीतिका और आर्यभट्ट सिद्धांत प्रमुख थे। हालांकि उनकी आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथ एक विलुप्त ग्रंथ है जिसके सिर्फ 34 श्लोक ही वर्तमान में उपलब्ध है। इतिहासकारों की माने तो आर्यभट्ट के इस ग्रंथ का सबसे अधिक इस्तेमाल 7वीं सदी में किया जाता था। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था जिसमें उन्होंने अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति की व्याख्या बेहद खूबसूरत तरीके से की थी। इसके अलावा इस ग्रंथ में वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी समेत कई समीकरणों को भी आसान भाषा में समझाया गया है। उनके इस ग्रंथ में कुल 121 श्लोक हैं जिन्हें अलग अलग विषयों के आधार पर गीतिका पद, गणित पद, काल क्रिया पद एवं गोल पद में बांटा गया है। आर्यभट्ट के इस ग्रंथ में 108 छंद हैं। उनके इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट की यह प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने शंकु यंत्र, बेलनाकार यस्त्री यंत्र, जलघड़ी, छाया यंत्र, कोण मापी उपकरण, छत्र यंत्र और धनुर यंत्र या चक्र यंत्र आदि का उल्लेख किया है। दोस्तों महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने अपने महान खोजों और सिद्धांतों से विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने शून्य, पाई, पृथ्वी के परिध आदि की लंबाई बताकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके कुछ महत्वपूर्ण खोज इस प्रकार है। पाई का मान, आर्यभट्ट जी ने दशमलव के 4 अंकों तक पाई का मान बताया है। उन्होंने पाई का मान 62832/20000=3.1416 के बराबर बताया। त्रिकोणमिति में आर्यभट्ट जी का योगदान, आर्यभट्ट जी का त्रिकोणमिति के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में आर्य सिद्धांत में ज्या, कुज्या, उत्क्रमज्या, विज्या की परिभाषा बताई। शून्य की खोज, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कर गणित में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बीजगणित में घनों और वर्गों के जोड़ के सूत्र का आविष्कार, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट जी ने अपना अहम योगदान दिया है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर रूप से घूमती है जिसकी वजह से आसमान में तारों की स्थिति में बदलाव होता है। इसके साथ ही आर्यभट्ट जी ने यह भी बताया कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करने में करीब 23 घंटे 56 मिनट और 1 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों आर्यभट्ट जी ने सूर्य से ग्रहों की दूरी बताई जो कि वर्तमान माप से मिलती जुलती है। वहीं आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इसे एक AU भी कहा जाता है। आर्यभट्ट जी ने पृथ्वी की लंबाई 39,968.05 किलोमीटर बताई थी जो कि इसकी वास्तविक लंबाई 40,075.01 किलोमीटर से महज 2% कम है। वहीं आज के विज्ञान में इसे अभी भी आश्चर्यजनक रूप से देखा जाता है। इसके अलावा आर्यभट्ट जी ने वायुमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर बताई, हालांकि इसकी वास्तविक ऊंचाई 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन इसका करीब 99% हिस्सा 80 किलोमीटर तक ही सीमित है। आर्यभट्ट जी ने एक साल की लंबाई 365.25868 दिन के बराबर बताई जो कि वर्तमान गणना 365.25868 के काफी निकटतम है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी की खगोलीय गणना ने जलाली कैलेंडर बनाने में मदद की थी। दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को भारत सरकार ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था जिसका नाम उन्होंने महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी के नाम पर रखा। यही नहीं, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा
वायुमंडल के संताप मंडल में जीवाणु की खोज की गई थी, जिनमें से एक प्रजाति का नाम बैसिलस आर्यभट्ट रखा गया था, जबकि भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में आर्यभट्ट के सम्मान में एक वैज्ञानिक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान रखा गया है। दोस्तों, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आर्यभट्ट जी ने लगभग 550 ईसा पूर्व में अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।